गुड मॉर्निंग एंड जय सत्यनारायण वन एंड ऑल. हाउ आर यू? आई होप यू आर फाइन. वेल, आई एम ऑल्सो फाइन हियर. माई डियर स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को हर बार बताता हूँ, ज्यादा से ज्यादा वर्क फॉर्म न्यू वर्ड्स कलेक्ट कीजिए. अलग अलग टेक्निक भी मैंने आप लोगों को सिखाई है. और टाइम्स ऑफ इंडिया, द इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर रीड करिए. इसके अलावा आप लोग इंग्लिश न्यूज चैनल भी देखिए, बीबीसी चैनल देखिए. शायद स्टार्टिंग में आप लोगों को मालूम नहीं पड़ेगा, एक दिन, दो दिन, एक महीना, दो महीना, धीरे धीरे वो सारे वर्ड्स धीमे माइंड के अंदर सेट होते चले जाएंगे. सो माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों को मालूम ही है, आजकल इंडिया की हर टीवी चैनल पे ओनली वन केस चल रहा है, सुशांत मर्डर केस या सुसाइड, आप सभी को मालूम है. तो आज इसी के रिलेटेड मैं और वर्ड्स लेकर आया हूँ. ये सारे वर्ड्स आप लोगों को माइंड में सेट करना है, क्लियर? सो जैसे कि एक कॉमन क्वेश्चन से आप सभी को लोगों को मालूम भी होगा, व्हाट्सअप 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 मींस क्या चल रहा है? व्हाट्सअप नाउ डेज, आजकल क्या चल रहा है? आप कह सकते हो, आप अपने फ्रेंड्स को भी कह सकते हो, व्हाट्सअप व्हाट्सअप व्हाट्सअप, राइट? ओके, सो नाउ वी विल बी लर्निंग न्यू वर्ड्स. आज नए वर्ड सीखने आप लोगों को, जैसे कि फर्स्ट वर्ड से आप लोगों ने शायद इंग्लिश न्यूज़पेपर में देखा होगा, अगर आप लोग पढ़ रहे हो तो सबसे पहले वर्ड से राउंड द क्लॉक, राउंड द क्लॉक, राउंड द क्लॉक. व्हाट्स राउंड द क्लॉक? राउंड द क्लॉक का मतलब क्या होता है? आप लोगों ने देखा होगा न्यूज़पेपर के अंदर, सीबीआई क्या कर रही है. सीबीआई क्या है, मैंने लास्ट वीडियो में आप लोगों को समझाया था. एनसीबी क्या है, वो भी मैंने लास्ट वीडियो में आप लोगों को बताया था. तो सीबीआई क्या कर रही है? राउंड द क्लॉक, राउंड द क्लॉक, राउंड द क्लॉक मींस के दिन रात काम करना. इसको बोलते हैं राउंड द क्लॉक, क्लियर? तो सेट इन योर माइंड, सेट इन योर माइंड. ऐसा नहीं आप अगर कंटिन्यू पढ़ाई भी कर रहे हो नॉन स्टॉप, ये भी एक टाइप का हुआ राउंड द क्लॉक, मीन्स दिन रात काम करना. एक और वर्ड्स भी आ रहा है न्यूज के अंदर आजकल, काउ डाउन बाय ट्रैक्स, काउ डाउन बाय ट्रैक्स. तो व्हाट्स काउ डाउन बाय ट्रैक्स, इसका मतलब क्या होता है? धमकी से डर जाना. आप लोग देख रहे हो शायद, आप लोगों ने टीवी पे देखा, शिवसेना धमकियां दे रही है, कोई डर रहा है, कोई नहीं डर रहा है, कोई फाइट कर रहा है. तो रिमेम्बर, काउ डाउन बाय ट्रैक्स मींस धमकी से डर जाना. और एक वर्ड्स आजकल आप लोग देख रहे होगे, जेट्रे जेट्रे जेट्रे. जेट्रे का मतलब क्या होता है? जेट्रे मींस खूब चिंता में रहना, बेचैन रहना. बताया जा रहा है कि सुशांत काफी टाइम से बहुत चिंता में था, बेचैन रहता था, राइट? तो रिमेम्बर दिस वर्ड जेट्री. अब इसके बाद एक न्यू वर्ड है समवन, वो कॉमन है वेरी. सीबीआई सभी लोगों को बुला रही है, सुशांत के फ्रेंड्स को भी बुला रही है. तो समवन का मतलब होता है किसी को बुलाना. ऑफेंस, व्हाट्स ऑफेंस? ऑफेंस का मतलब क्या होता है? कोई अपराध करना, अपराध, गुनाह करना, क्राइम करना, ऑफेंस. अब एक वर्ड्स बहुत फेमस चल रहा है आजकल टीवी के ऊपर, बार बार इंटरव्यू में बोला जा रहा है, नेपोटिज्म. नेपोटिज्म, व्हाट्स नेपोटिज्म? जैसे कि भारत के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर कौन थे? नेहरू जी. बाद में इंदिरा गांधी जी प्राइम मिनिस्टर बने, इंदिरा गांधी जी की हत्या हुई, बाद में
ऑटोमेटिक इंडियन एयरलाइंस का एक पायलट मिस्टर राजीव गांधी रातों रात देश का प्रधानमंत्री बन गया। राजीव गांधी के पास कोई नॉलेज नहीं था, फिर भी बन गया। हाँ, देश में टेक्नोलॉजी लाने वाला, कंप्यूटर लाने वाले फर्स्ट प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी। अगर आज होते तो काफी डेवलप भी होता। अब राजीव गांधी के बाद राहुल गांधी भी देश का प्रधानमंत्री बनना चाहता है। तो क्या हो गया? नेपोटिज्म, वंश का वंश चलना, वो इस लाइन में सेट करना, अप्रोच करना, इसको लगा देना, इसको लगा देना, दूसरे को मौका नहीं देना, नेपोटिज्म इसको बोला जाता है, पक्षपात। क्लियर? सो नेक्स्ट वर्ड से आज का एक डिफेम। डिफेम का मतलब क्या होता है? बदनाम करना। ये भी सुन रहा, बदनाम हो रही इंडस्ट्री, जया बच्चन बोल रही है, राइट? डिफेम, बदनाम करना। ड्रग्स के मामले में लेकर जया बच्चन ने भी बोला डिफेम, डिफेम, डिफेम मीन्स बदनाम करना। और उसके बाद है मोर और लेस। मोर और लेस, इसका मतलब होता है लगभग, लगभग मीन्स करीब। क्लियर? और उसके बाद है स्ले। स्ले का मतलब होता है, स्ले का मतलब होता है टू किल समवन, किसी की हत्या कर देना, किसी का खून कर देना, किसी को मार देना, इसको बोलते हैं स्ले। तो ए वर्ड्स भी याद रखिए, क्लियर? किल, मर्डर, राइट, सुसाइड, क्लियर? इसी तरह एक वर्ड है हैंग आउट, ये भी काफी फेमस वर्ड चल रहा है, हैंग आउट, हैंग आउट, हैंग आउट। तो व्हाट्स हैंग आउट? तो हैंग आउट का मतलब क्या था? कोई इंसान किसी इंसान के साथ ज्यादा समय पास करता है, उसके साथ रहता है, घूमता है, फिरता है, इसको बोलते हैं हैंग आउट। जैसे सुशांत और रिया चक्रवर्ती दोनों एक दूसरे के साथ काफी समय से रह रहे थे, साथ में घूम रहे थे, साथ में खा पी रहे थे, साथ में इंजॉय कर रहे थे, तो ये क्या हो गया? हैंग आउट। क्लियर? सो माय डियर स्टूडेंट्स, ये सारे वर्ड्स आप लोगों को प्रैक्टिस करनी है और माइंड में सेट करना है और प्रैक्टिस, 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 राइट? थैंक यू वेरी मच। जय स्वामीनारायण वन एंड ऑल।